आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द क्वेश्चन इज अ असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, जिसमें असर्शन का स्टेटमेंट है कि एमनियोसेंटेसिस इज बैंड। तो ये स्टेटमेंट सही है कि एमनियोसेंटेसिस को अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, एंड उसका रीजन ये है कि ड्यूरिंग द एमनियोसेंटेसिस वी टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड बेबी को या फिर फीटस को चारों तरफ से सराउंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एमनियोटिक सैक होता है, एंड इसमें पूरी सैक में फ्लूइड फिल्ड हो गए, जैसे एग के अंदर एक योक होता है, चारों तरफ से उसके एग वाइट्स होते हैं। ऐसे ही जो एग योक वाला पार्ट होता है, लेट्स जस्ट अज्यूम कि वो हमारा फीटस है, एंड इस फीटस के चारों तरफ जो एग वाइट वाला पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है एमनियोटिक फ्लूइड को, एंड जो एग का जो शेल है वो एग शेल रिप्रेजेंट करता है इस एमनियोटिक सैक को। तो ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ एमनियोसेंटेसिस डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो इस फ्लूइड से थोड़ी सी फ्लूइड थ्रू एन इंजेक्शन वो फ्लूइड बाहर निकालते हैं, एंड फिर इस फ्लूइड की कैरियोटाइपिंग करते हैं, यानी कि इस फ्लूइड को एनालाइजिंग करते हैं, इसमें जो भी सेल्स प्रेजेंट होंगे उन सेल्स के न्यूक्लियस को। आगे न्यूक्लियस में जो चीज़ प्रेजेंट होती है, दोज आर क्रोमोसोम। तो वो एक टाइप से क्रोमोसोम की कैरियोटाइपिंग करते हैं, यानी कि सभी क्रोमोसोम्स को एनालाइज करते हैं राइट फ्रॉम द क्रोमोसोम नंबर 1 टू क्रोमोसोम 23। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि अगर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, यानी फॉर एग्जांपल हम माने कि इस पर्टिकुलर बेबी में जो क्रोमोसोम 5 है वो क्रोमोसोम 5 की उसमें डिलीशन हुआ कहीं से। अब जो नॉर्मल क्रोमोसोम 5 होता है, लेट्स अज्यूम कि वो ऐसा होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर बेबी में वो ऐसा है, तो इसका मतलब उसमें इतना पार्ट 5th क्रोमोसोम का गायब है। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि अभी जो ये बच्चा है होगा, इसमें कौन सी एबनॉर्मैलिटीज आती हैं, यानी कि इसमें फ्यूचर में कौन सी बीमारियां होने वाली हैं, उन सब का हम पता लगा सकते हैं, जितने भी जेनेटिक डिफेक्ट होंगे उन सब के बारे में। बट अब रीजन वाई में वही लाइन लिखी हुई है, तो ये लाइन सही है, बट इसके बैन होने का पर्टिकुलरली रीजन ये था कि इसको फिर यूज करा जाए, क्योंकि इसमें हम क्रोमोसोम देख सकते हैं अप टू क्रोमोसोम नंबर 23। तो इससे हमें यह पता लग जाता है कि उस फीटस में XY क्रोमोसोम है या फिर XX क्रोमोसोम है, यानी कि एक तरीके से हम बता सकते हैं कि वो बेबी गर्ल होने वाला है या फिर वो बेबी बॉय है। तो लेकिन इसकी वजह से जो कंजर्व्ड माइंडेड थे उनमें क्या हुआ कि जो फीमेल चाइल्ड थे, उस फीमेल चाइल्ड के केस में अबॉर्शन के केसेस या फिर फीमेल फर्टिसाइड के केसेस इंक्रीज हो गए, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको बैन करा था। तो इस क्वेश्चन में असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि उसको बैन क्यों करा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।